दो दिन पहले चेतक सर्कल स्थित जेएमबी नाश्ते की दुकान पर एक परिवार गाजर का हलवा खाने के लिए पहुंचा। उन्होंने जैसे ही हलवा खाया तो उसमें बुरी कदर से बदबू आने लगी। थोड़ा बहुत हलवा उनके बच्चे और साथी खा भी चुके थे। इसी को लेकर शिकायतकर्ता ने मौजूदा स्टाफ को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसमें स्टाफ ने भी ये माना कि हलवा वाकई बासी था। इसके बाद चिकित्सा विभाग को इसकी शिकायत की गई। चेतक सर्कल स्थित जेएमबी की दुकान पर बासी गाजर का हलवा मिलने की शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग की टीम बुधवार को सैंपल लेने पहुंची। फूड इंस्पेक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने जेएमबी दुकान पहुंचकर गाजर के हलवे और मिल्क केक का सैंपल लिया। फूड इंस्पेक्टर गुप्ता ने बताया कि सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेज दिया गया है। यदि जांच में सैंपल सब स्टैंडर्ड आता है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अनसेफ आने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 2 से 10 लाख रुपए के जुर्माना लगाया जा सकता है। गुप्ता ने बताया कि शहर में अन्य दुकानों पर भी सैंपल लेकर अब रेगुलर जांच की जाएगी।